Hello students, and let's start with the Mughal Empire. तो basically इससे पहले हम लोगों ने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हम लोगों ने द ग्रेट मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा, और अब हम लोग जो है मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं. लेकिन इससे पहले कि हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ें, अकबर और बिरबल की एक कहानी पढ़ लेते हैं हम लोग. आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा पहले. तो बिरबल जो है वो एक मंत्री था. बेसिकली मुगल दरबार में, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बिरबल जो है वो एक मंत्री था, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा विश्वास पात्र जो है वो सलाहकार या एडवाइजर भी था अकबर का. तो बिरबल की ड्यूटी जो थी कोर्ट में वो ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव थी, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए मुद्दों को ही जो है मेनली वो देखता था. और इसके अलावा जो है वो एम्परर का एक क्लोज दोस्त भी था, और वो जो है अपने विट और विजडम इसके लिए वो काफ़ी जाना माना था. यानी कि कह सकते हैं कि बिरबल काफ़ी तेज दिमाग और बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति थे. तो एक बार जो है एम्परर अकबर ने सपना देखा कि उनके सारे दांत टूट गए हैं सिवाय एक के. तो अगली सुबह उन्होंने अपने राज के सभी ज्योतिषों को बुलवा भेजा, सभी एस्ट्रोलॉजर्स को बुलवाया कि भैया मेरे ड्रीम का आप इंटरप्रिटेशन दीजिए, मेरे ड्रीम का मतलब क्या है वो बताइए. तो लंबे डिस्कशन के बाद एस्ट्रोलॉजर्स ने, यानी कि ज्योतिषों ने अकबर को बताया कि उनके सभी रिलेटिव जो है वो अकबर से पहले मर जाएंगे. अब अकबर जो है ये इंटरप्रिटेशन सुन के बहुत अपसेट हो गए, और उन्होंने सभी ज्योतिषों को वहाँ से भगा दिया, किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया. बाद में उसी दिन बिरबल जो है वो दरबार में आए. अकबर ने बिरबल से अपने ड्रीम के बारे में कहा, और कहा कि भाई इसका मतलब बताओ. कुछ समय तक सोचने के बाद बिरबल ने जवाब दिया कि बादशाह जो है वो अपने सभी रिलेटिव से लंबी जिंदगी जिएंगे और ज़्यादा फुलफिलिंग जिंदगी जिएंगे. अकबर बिरबल के इस एक्सप्लेनेशन को सुन के काफ़ी खुश हुआ, और बिरबल को काफ़ी अच्छा इनाम भी दिया. तो खैर चलिए, ये तो हो गई अकबर और बिरबल की लेजेंडरी कहानियाँ. लेकिन अब हम लोग जो है उस डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे जिसका हिस्सा अकबर था, राइट? देखिए 15th सेंचुरी में इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन जो थी वो काफ़ी डिटीरियोरेट कर गई थी. डिटीरियोरेट मतलब हराश होना, स्थिति का जो है बद से बदतर होते जाना, उसे कहते हैं डिटीरियोरेट. तो नॉर्दर्न इंडिया में एक भी पावरफुल किंगडम नहीं था. लास्ट डायनेस्टी जिसने की शासन किया था वो था लोदीज, और ये जो है काफी पावरफुल नहीं थे. तो अब जब मान लीजिए कि कोई एक भी, अगर पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे रीजन में अगर एक भी पावरफुल किंगडम नहीं रहेगा, तो ऐसे में दूसरे जो जगह के लोग होंगे वो तो आक्रमण करने का सोचेंगे, राइट? तो यही हुआ कि लोदी डायनेस्टी जो है वो उतनी पावरफुल थी नहीं, और ऐसे में जो है इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स पर से, यानी कि उत्तर पश्चिम का जो बॉर्डर है उधर से जो है आक्रमण होने का जो है निमंत्रण आया. तो बाबर ने जो है आक्रमण किया नॉर्थ वेस्ट की तरफ से ही, और उसके बाद जो है उसके आक्रमण और उसके जो उसकी जीत के साथ ही जो है इंडिया की मिट्टी पर जो है मुगल एम्पायर की नींव जो है वो पड़ गई थी. तो पहले बाबर के बारे में बात करें तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये नाम था इसका, और बाबर जो है वो तैमूर डायनेस्टी का, तैमूर लंग, जिसने कि भारत पर आक्रमण किया था इससे पहले, तो तैमूर के ही खानदान का जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है वो शासक थे. तो इन्होंने जो है तैमूर से जो है फरगना नाम का एक छोटा सा स्टेट जो है वो इनहेरिट किया था 1494 में. अब अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए और सेंट्रल एशिया में अपने पोजीशन को और मजबूत करने के लिए बाबर ने 4 बार इंडिया पर अटैक किया, लेकिन हर एक बार वो हारता गया. लेकिन फिर 5वें इन्वेजन में उसने जो है इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 में हरा दिया. बाबर का नॉर्थ इंडिया का जो कंक्वेस्ट था वो इनकम्प्लीट था जब तक उसने सबसे महान राजपूत राजा राणा सांगा ऑफ मेवाड़ को ना हरा दिया. तो यानी कि कह सकते हैं हम कि नॉर्दर्न इंडिया में जो है सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज था बाबर के कंक्वेस्ट में, तो वो था मेवाड़ के शासक राणा सांगा, जो कि उस समय के सबसे महान राजपूत राजा के तौर पर थे. और उन्हें बाबर ने कब हराया, तो 17th of March 1527 में. अब देखिए बाबर जो है वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो जो है पोएट्री, गार्डनिंग, बुक्स,
इन सब का शौक था। और बाबर के करियर का जो है डिटेल आपको उनके ऑटोबायोग्राफी तुजो के बाबरी या बाबरनामा में जो है मिल सकता है, जो कि उन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज टर्किश में लिखी थी। तो चलिए, बाबर के कंक्वेस्ट के साथ जो है इंडिया में मुगल डायनेस्टी जो है वो स्थापित होती है, या फिर कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर और मुगल वंश का शासन जो है वो शुरू होता है। तो बाबर का रूल जो है वो काबुल से लेके बंगाल तक था, लेकिन बाबर जो है उसकी किस्मत में लंबे समय तक अपनी जीत का स्वाद चखना जो है वो नहीं लिखा था, क्योंकि वो 1530 में आगरा में मर गए वो। ओके, तो बेसिकली बाबर के लाइफ का मुगल डायनेस्टी की स्थापना किसने की? बाबर ने। मुगल डायनेस्टी के स्थापक बाबर जो है वो खुद किस वंश के थे? तो तैमूर के वंश से थे वो, राइट। कहाँ के शासक थे वो पहले? तो फरगना, राइट। वहां से जो है उन्होंने जब नॉर्थ इंडिया पर अटैक किया तो किस सबसे बड़े राजपूत राजा को उन्होंने हराया? फिर राणा सांगा को हराया, जो कि मेवाड़ के किंग थे, राइट। बाबर का शासन जो है वो कहां से कहां तक फैला था? तो काबुल से बंगाल तक फैला था, लेकिन बाबर जो है वो लंबे समय तक नहीं जी पाया। अब बाबर के मरने के बाद बाबर का सबसे बड़ा बेटा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं वो उसके उत्तराधिकारी बने और फिर राजा बने। उन्होंने हमीदा बेगम से शादी की हुमायूं ने। हुमायूं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसे जो है अपने पिता से एक बड़ा एम्पायर तो मिला था, विरासत में जो है उसने अपने पिता से एक बड़ा एम्पायर तो इनहेरिट किया था, लेकिन उस एम्पायर में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, उस एम्पायर में ढंग की प्रशासन की व्यवस्था जो है वो नहीं थी, और ये एम्पायर जो है वो इकोनॉमिकली भी मजबूत नहीं था। और सबसे बड़ा चैलेंज जो हुमायूं को सामना करना पड़ा वो था अफगान लीडर शेरशाह सूरी का, जिसने हुमायूं को जो है बैटल ऑफ चौसा और कन्नौज में हराया 1540 कॉमन एरा में। तो शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं को अपने जीवन का 15 साल जो है वो पर्शिया में जो है एग्जाइल में बिताना पड़ा। इन सालों में जो है शेरशाह सूरी की फैमिली, जो कि सूर डायनेस्टी के नाम से जानी जाती थी, तो उसने नॉर्थ इंडिया पर शासन किया। फिर 1555 में किंग ऑफ पर्शिया की हेल्प से हुमायूं जो है वो अपने लॉस्ट एम्पायर को दोबारा जीतने में सफल रहा। अब हुमायूं जो है वो भी लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए, क्योंकि 1556 में अपने लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के जो है उनकी मौत हो गई। अब जब हुमायूं की मौत हुई तो उनके बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो थे वो सिर्फ 13 साल के थे, तो वो जो है अपने पिता के उत्तराधिकारी या सक्सेसर काफी कम उम्र में बन गए। अब चूंकि वो 13 साल की उम्र में जो है वो राजकाज का मामला चलाने में सक्षम नहीं थे, राइट, वो जो है किंगडम के अफेयर्स को या किंगडम व्यवस्था को जो है देखने संभालने के लायक वो नहीं थे, तो ऐसे में उनके जनरल बैरम खान जो थे उन्होंने जो है बागडोर संभाली और वो उनके रीजेंट बन गए। रीजेंट मतलब आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल गार्जियन बन जाना, जो कि अकबर के बिहाफ पर सारे डिसीजंस लेंगे। 1556 में बैरम खान ने होयमू को पानीपत के मैदान में हराया और अकबर के लिए जो है गद्दी जो है वो सिक्योर कर ली। तो होयमू को किसने हराया पानीपत में? बैरम खान ने। 4 years लेटर या 4 साल के बाद अकबर ने जो है अपने मुगल शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली, उसने रेन ऑफ हिज किंगडम अपने हाथों में ले लिया। अब अकबर ने जो है अपने एम्पायर को दिल्ली और आगरा से आगे बढ़ाने का, एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया। तो अकबर ने जो है मालवा, गोंडवाना और इसके अलावा जो है अजमेर, ग्वालियर और जौनपुर, इनके किलों पर जो है उसने कब्जा किया। धीरे धीरे अकबर जो है वो मुगल एम्पायर को या अपने शासन को जो है गुजरात, बंगाल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, खानदेश और सेंट्रल इंडिया के हिस्सों तक जो है बढ़ाने में सफल रहा। अब अकबर से जुड़ी हुई एक और कहानी है कि अकबर सिर्फ 19 साल की उम्र के थे जब एक बार वो शिकार के लिए गए और जो एस्कॉर्ट होता है ना, साथ में जो फौज चलती थी, तो उससे आगे ही वो घोड़े पर बैठ के निकल गए और तभी जो है उनका सामना एक बाघिन से हुआ, टाइग्रेस से हुआ, जो कि जंगल से निकल के सीधे उनके रास्ते में आ गई। अब जब टाइग्रेस ने एम्पायर पर अटैक किया तो एम्पायर ने जो है यानी कि अकबर ने जो है तलवार के एक ही वार में उस टाइग्रेस को मार दिया। अब जब तक मैं राजा के अटेंडेंट्स वहां पर पहुंचते उसने टाइग्रेस को मार दिया था और बगल में उस टाइग्रेस के वो खड़ा था।
तो जब तक में अकबर के अटेंडेंट्स आए तब तक में जो है वो बाघ को मार के और चुपचाप बगल में अकबर खड़ा था। तो बेसिकली ये कहानी ये बताती है कि अकबर जो है वो काफी बहादुर था, राइट। अब देखिए अकबर की खासियत ये थी कि अकबर जो है वो मुगल किंग था, यानी कि वो जो है इस्लामिक था, लेकिन वो जो है सभी धर्मों में विश्वास करता था और इसलिए जो है उसे महान शासकों में जो है उसे गिना जाता है। ओके, मतलब कि सभी समय में जो महानतम शासक हुए हैं, जो ग्रेटेस्ट रूलर्स हुए हैं, उनमें अकबर को भी गिना जाता है। अकबर ने अपने शासन काल में जो है अपने लोगों के वेलफेयर या भलाई के लिए काम किया। ओके, रेन का मतलब होता है शासन काल और वेलफेयर का मतलब तो जानते ही है ना, भलाई। तो अकबर ने जो है अपने प्रजा के, अपने लोगों के भलाई के लिए जो अपने शासन काल में काम किया, उसके दरबार में जो है आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, इन सभी को इनकरेज किया गया, इन सभी को बढ़ावा दिया गया। अकबर के कोर्ट में अकबर ने एक नया धर्म दीन इलाही शुरू किया, जिसका मतलब था रिलीजन ऑफ गॉड। अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई और उसे जो है सिकंदराबाद, सिकंदरा आगरा के बगल में जगह है, तो वहीं पर जो है एक टूम्ब में जो है उन्हें दफना दिया गया। अब अकबर के डेथ के बाद उनका बेटा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर वो जो है मुगल थ्रोन का, मुगल गद्दी का जो है वारिस बना, उसने जो है मुगल थ्रोन इनहेरिट किया। जहांगीर जो है वो आर्ट और लिटरेचर का बहुत बड़ा प्रेमी था। जहांगीर ने नूर जहां से शादी की, जिसे कि उसने जो है नूर महल या फिर लाइट ऑफ द पैलेस का टाइटल दिया। नूर जहां जो है वो काफी विद्वान थी और काफी इन्फ्लुएंशियल थी, यानी कि उसका काफी ज्यादा प्रभाव था लोगों पर, और वो उसने जो है जहांगीर की मदद की थी किंगडम पर ढंग से शासन करने में। जहांगीर की मौत हो गई 1627 में। अब जहांगीर के बाद जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का शासन शुरू होता है और शाहजहां के शासन को मुगल पीरियड का गोल्डन एज कहा जाता है या गोल्डन एज माना जाता है। वो जो है उसे जो है आर्किटेक्चर से काफी ज्यादा प्यार था। आर्किटेक्चर मतलब घर वगैरह बनाने की जो शिल्पकला जो है वही आर्किटेक्चर है, घर का डिजाइन कैसा हो और घर कैसे बने, राइट, ये सब आर्किटेक्चर के अंदर आता है। तो शाहजहां को जो है आर्किटेक्चर से काफी ज्यादा प्यार था और उसने जो है अपने शासन काल में, अपने रेन में कई खूबसूरत बिल्डिंग्स जो है, कई ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स जो है वो बनवाए थे। अब शाहजहां ने जो है अपने पीछे जो है उसने मुगल सल्तनत या मुगल एम्पायर की कई बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतें उसने छोड़ दी, जैसे कि ताजमहल, ये जो है उसके सबसे फेवरेट वाइफ मुमताज महल का जो है टूम्ब है, मकबरा है। इसके अलावा मोती मस्जिद, शालीमार गार्डन, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, रेड फोर्ट, ये सारे बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट्स हैं सब शाहजहां ने ही बनवाए और ये सब जो है उसने अपने पीछे छोड़ दिया। शाहजहां बाद को जो है शाहजहां ने अपनी राजधानी या कैपिटल बनाई। अब 1657 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने जो है एक विद्रोह शुरू किया जब शाहजहां बीमार पड़ गया। तो औरंगजेब ने पब्लिकली अपने भाई और शाहजहां के उत्तराधिकारी दारा शिकोह को फांसी दे दी, एग्जीक्यूट कर दिया। बोल मोटा मोटी कह सकते हो कि शाहजहां बेचारा अकेला ऐसा पड़ा जिसके जीते जी जो है उसकी बादशाहत चली गई, है ना। क्योंकि एक तरफ जो है जब शाहजहां बीमार पड़ा, उसी बीच में जो है औरंगजेब ने जो शाहजहां का जो उत्तराधिकारी चुना जाने वाला था दारा शिकोह, उसको औरंगजेब ने जो है फांसी दे दी। अब शाहजहां जो है वो बीमारी उसकी ठीक हुई, शाहजहां जो है वो अपनी इलनेस जो है उसने पूरी तरह से रिकवरी की, लेकिन फिर भी औरंगजेब ने उसे जो है इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर दिया कि ये शासन करने लायक नहीं है और उसने शाहजहां को हाउस अरेस्ट के अंदर डाल दिया आगरा फोर्ट में। आप जब कभी ताजमहल जाइएगा ना, ताजमहल से जो है आप यमुना के उस पार देखिएगा तो आपको आगरा फोर्ट दिखाई देगा। तो बेसिकली जो है सीक्वेंस क्या रहा इवेंट का, तो पहले शाहजहां बीमार पड़ा, जितने भी शाहजहां के बेटे थे वो सब गद्दी पर कब्जा करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़े, राइट। तो दारा शिकोह जो कि उत्तराधिकारी चुना जाने वाला था शाहजहां के बाद, तो उसे जो है औरंगजेब ने जो है एग्जीक्यूट कर दिया, मौत की सजा दे दी।
और बाद में और उसने गद्दी पर कब्जा कर लिया। शाहजहां बेचारा जो है वो फुली रिकवर किया भी अपनी बीमारी से, तो भी औरंगजेब ने जो है उसे इनकॉम्पिटेंट टू रूल डिक्लेयर कर दिया कि ये शासन करने लायक नहीं है, और उसे जो है आगरा फोर्ट में हाउस अरेस्ट के अंदर डाल दिया। 1666 में फाइनली शाहजहां फिर बीमार पड़ा और वो बेड रिडन हो गया। कॉन्फाइंड टू बेड का मतलब हो गया कि वो बिल्कुल बेड में सिमट गया, वो बेड से जो है वो ज्यादा उठ बैठ नहीं सकता था। अब जो है वो प्रोग्रेसिवली वो कमजोर होता चला गया, धीरे धीरे वो जो है और कमजोर होता चला गया, और 22nd ऑफ जनवरी को जो है कालिमा और कुरान के कुछ जो है पंक्तियां पढ़ने के बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई। चलिए, शाहजहां का वक्त खत्म हुआ और शासक कौन बन गया था अब? औरंगजेब, राइट। 1658 में ही ये शासक बन गया था, तो यानी कि 8 साल तक शाहजहां को इसने कैद में रखा आगरा फोर्ट में। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया और गद्दी जो है उसने 1658 में ले ली। ओके, यानी कि बेचारा ताजमहल बनवाया और रहा जो है कहाँ कैद में? आगरा फोर्ट में। औरंगजेब जो है वो भी काफी बड़ा पॉलिटिशियन था और काफी जो है वो एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी कि वो काफी सक्षम जो है प्रशासक था। और यद्यपि उसने अपने एम्पायर को बढ़ाकर जो है मोटा मोटी लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने अंदर कर लिया, लेकिन वो कभी भी जो है डक्कन के मराठाज को कम्प्लीटली नहीं दबा पाया, जो कि उसकी मौत तक यानी कि 1797 में औरंगजेब के मरने तक उसका विरोध करते रहे, उसको रेजिस्ट करते रहे। लेकिन अकबर से अलग औरंगजेब जो है वो फैनेटिक था। फैनेटिक मतलब जो कि मतलब क्या कहोगे, मतलब कि अंधविश्वासी था अपने धर्म के मामले में, कि वो अपने धर्म का ही पालन करता था और बाकी दूसरे धर्मों के लिए जो है उसके मन में या उसके शासन में कोई जगह नहीं थी। वो जो है दूसरे रिलीजन्स को टॉलरेट नहीं करता था, वो सिंपल जीवन बिताता था और कभी भी जो है वो जनता के पैसे का या सरकारी पैसे का प्रयोग जो है वो आरामदेह जीवन बिताने के लिए नहीं करता था। लेकिन फिर भी उसका जो फैनेटिसिज्म था, उसका जो कह सकते हो कि धार्मिक जो उसकी असहिष्णुता थी, जो फैनेटिसिज्म थी, उसने जो है उसे जनता के बीच में अनपॉपुलर बना दिया। क्योंकि देखिए, इंडिया जो है वो तो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी रही है, अब ऐसे में अगर आप जो है हार्डकोर इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक शासन करना चाहेंगे तो ज्यादातर लोग जो है वो अपने आप को बंदिश के अंदर महसूस करेंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं भाई ये राजा तो कुछ ज्यादा ही संकी है। और यही वजह है कि औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, उसकी जो रिलीजियस फैनेटिसिज्म की पॉलिसी थी, जहां पर कि वो हार्डकोर इस्लामिक प्रिंसिपल्स को जो है लागू करता था, इसी ने उसे जनता के बीच में जो है अनपॉपुलर बना दिया था। अब औरंगजेब के मरने के बाद उसके 3 बेटे जो थे वो उत्तराधिकार के लिए, उनके बीच में झगड़ा हुआ और धीरे धीरे मुगल एम्पायर जो है वो भरभराकर गिरा और यूरोपियंस जो थे उनका जो है इंडिया के डिफरेंट प्रोविंसेस के ऊपर कंट्रोल जो है वो टाइट होने लगा। अब यद्यपि लाइक कह सकते हैं कि टोटल जो है 13 मुगल एम्पायर्स रहे जिन्होंने कि 1707 से 1862 तक शासन किया, राइट, लेकिन उनमें से कोई भी जो है एम्पायर के तरफ जो है कुछ बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया, कोई भी जो है साम्राज्य के हित में कुछ बड़ा जो है वो नहीं कर पाया। जितने भी मुगल बादशाह बने औरंगजेब के बाद, सब जो है आरामदेह जीवन बिताने के चक्कर में जो है, या लग्जरीज के चक्कर में जो है, सब के सब खत्म होते गए और मुगल एम्पायर जो है वो भयानक रूप से नीचे गिरा। लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर जो थे वो 1862 में वो मर गए, जब उनको बर्मा में जो है मुगलों ने भगा दिया था, बेसिकली कह सकते हैं 1857 के ग्रेट म्यूटिनी के बाद। डिपोज्ड का मतलब होता है गद्दी से किसी को हटाना, तो 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, पहला कह सकते हैं इंडिया का फ्रीडम रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसके बाद उसमें नेता चुना गया था बहादुर शाह जफर को। तो जब इंडियन सैनिक वगैरह सब हार गए थे 1857 में, तो अंग्रेजों ने जो है बहादुर शाह जफर को मुगल गद्दी से उतार कर उन्हें बर्मा भेज दिया था। ओके, और इसके साथ ही जो है मुगल एम्पायर जो था इंडिया में वो ऑफिशियली खत्म हो गया था। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने ये देखा कि किस तरीके से बाबर ने जो है मुगल एम्पायर की नींव रखी इंडिया में, हुमायूं जो है वो बाबर का बेटा था, अकबर जो है वो मुगल डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर था, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ये सब जो है मुगल डायनेस्टी के और दूसरे फेमस रूलर्स थे,
शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में, और बहादुर शाह जफर जो है वो लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया था. सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू कैन यू नो लाइक ट्राई द क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड ऑफ इट टू फर्दर स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग. Thank you.